नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबरा एमएमओली स्थित अबुल कलाम स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। कल शाम 7 बजे फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला मैच मुंबरा फैन क्लब और स्पोर्टिंग क्लब दी ठाणे के बीच हुआ। इस मौके पर आमदार जितेंद्र आव्हाड ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका स्वागत किया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला दिन था, दर्शक भी काफी मौजूद थे। इस टूर्नामेंट के दौरान हमने बात की यहाँ के आमदार जितेंद्र आव्हाड से। मुंबरा में अब डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट चालू है और मेरे ख्याल से 20 टीम है, कितनी 16 टीम है। ये अंबरनाथ से आई है, थाना से आई है, मुंबरा की भी टीम खेल रही है और ये 5-6 दिन ये टूर्नामेंट चलेगी और इसमें से सिलेक्शन राउंड भी होंगे। लेकिन ये माहौल कैसा बदल रहा है, इसकी मजा लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ। लोग भी आए हुए हैं, माँ बाप भी आए हुए हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया ये स्टेडियम रात को दिखेगा। जो थाना में नहीं है ये प्लेयर्स भी मान रहे हैं, वो मुंबरा में। और मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले 6 महीने में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टर्फ लगेगा यही मैदान पर। जिस दिन ये टर्फ लगेगा उसके बाद सब इंटरनेशनल मैचेस जितनी बम्बई में होती है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि अपने पास वो सहूलत है कि जो बम्बई में किसी के पास नहीं। ये लाइट और टर्फ, इसका कॉम्बिनेशन बम्बई में भी किसी के पास नहीं है, वो हमारे पास रहेगा। आमदार जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि आने वाले 6 महीनों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टर्फ लगेगा। टर्फ लगने के बाद इस स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच होंगे। साथ ही सैयद अली ने अबुल कलाम स्टेडियम के बारे में क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। ये स्टेडियम एक हमको नायाब चीज़ मिली है, ये मिल्कियत हमारी है, हमारे शहर की है, हमारे पैसों से बनी हुई है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोग गड़बड़ी पैदा करते हैं कि टॉयलेट को तोड़ देते हैं, पाइप निकाल लेके जाते हैं, वायर घसीट ले जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। ये चीज़ हमारे शहर के बच्चों के लिए, जो लोग ये करते हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आपने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया, आप ज़िंदगी में वापस आइए, नशे से वापस आइए, नशे के दौर से वापस आइए, है ना। और ये जो काम करते हो ये आप मत करो। आप जो इस वक्त ये स्टेडियम मिला है अपने को, इसके अंदर अभी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। लोग आ रहे हैं, देखिए शाम में भी देखिए औरतें जो बैठी हुई हैं यहाँ पे, तो बच्चे बैठ के देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर स्पोर्ट्समैन की भावना पैदा होगी। इससे काफ़ी फ़ायदा हमारे शहर का होगा। सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, लेकिन वॉल्स है, करने वाले जो है जो नशा करते हैं वो लोगों से कोई चीज़ बैद नहीं है ना। वो तो हमारे घर से 1 मिनट दरवाज़ा खोलो तो मोबाइल लेके चले जाते हैं। तो इतने बड़े स्टेडियम की सुरक्षा के, ये हमारी चीज़ है। मैंने ये कहा कि ये हमारी चीज़ है, इसकी ध्यान हमको रखना है। सैयद अली ने जो बात बताई है वो बेहद ही चिंताजनक है। इस पर शहर के लोगों को ध्यान देना चाहिए और स्टेडियम की किसी भी वस्तु को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अगर स्टेडियम सुरक्षित रहेगा तो इसमें शहर के तमाम बच्चे खेलकर अपने और अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।